हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अल्ट्रेशन आती है, जिससे कुर्ती ऊपर या नीचे या आर्मोल में झोल आती है, जिससे वो छोटा बड़ा बैठता है, वो क्यों बैठता है। उसकी वजह कई होती हैं कुर्ती ऊपर या नीचे भागने की, के चढ़ इसे ऊपर चढ़ गई या नीचे को भाग गई, इसे कई अल्ट्रेशन होती हैं। उसमें एक अल्ट्रेशन की वजह ये भी है, जिस पे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, कि बहुत से क्या करते हैं, कभी अपनी आस्तीन का साइज़ आर्मोल का बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, या अपनी कुर्ती के आर्मोल का साइज़ छोटा या बड़ा कर देते हैं। तो उसको फिक्स किस तरीके से बैठा लें, इस पर आज वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिससे बहुत से लोगों की कुर्ती में ये होता है कि कभी वो अपने आस्तीन चढ़ाते हैं तो कभी आर्मोल इसका आस्तीन का कुर्ती का बड़ा या छोटा बैठता है, या आस्तीन का, जिस वजह से उनके आस्तीन सही नहीं चढ़ पाती। कभी उसमें झोल आ जाती है, कभी कुर्ती पीछे को भागती है, कभी वो आगे को गिरती है। तो उसका क्या तरीका है सही करने का, जिससे हमारी आस्तीन हमारे इस कुर्ती के आर्मोल की बराबर साइज़ बने इसका। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी आस्तीन को इस तरीके से रखना है, अपना आस्तीन का मुंह अपने साइज़ के अनुसार यहाँ पर फिट करना है, और उसमें इस तरीके से हमें जैसे हमारा निशान लगवा है, यहाँ हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमारा आर्मोल किस तरीके से सही बैठे, उसके लिए हमें अपनी कुर्ती का पहले सब चीज़ जुड़ाई करनी होगी, इस तरह से सैडे वगैरह सब जोड़नी होंगी। उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर नापना है, और नापने के बाद इस तरीके से इसको खूब इस तरीके से खींच के और इसको यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार। और निशान लगाने के बाद में फिर हम उसी साइज़ से यहाँ निशान पर सिलाई लगा लेंगे, तो आपका यहाँ पर आर्मोल बिल्कुल फिट बैठेगा, और ना ऐसा हुआ कि आपकी आस्तीन बड़ी बैठे, ना आपकी कुर्ती वाला मुड्डा बड़ा बैठे। ये आपकी दोनों चीज़ें बिल्कुल फिक्स बैठेंगी। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। तो हमें यहाँ पर नापना है, जैसे हमने यहाँ निशान लगा रखा है, इसी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें अपनी दूसरी आस्तीन को उठाना है इस तरीके से। इस तरीके से हम अपने साइज़ को नाप लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे निशान, और यहाँ पीछे की साइड में, मुड्डे की साइड में, इस तरीके से हम यहाँ पर नाप लेंगे, और यहाँ पर भी अपनी सिलाई जहाँ लगी है उस सिलाई के नीचे निशान लगा लेंगे, और हम इस आस्तीन को भी कर देंगे बंद इस प्रकार। एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें, हमें यहाँ सिंगल सिलाई नहीं, यहाँ डबल सिलाई लगाना है। तो अब ये जो लोग सही चढ़ा लेते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जैसे चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाएं, मगर ये उन लोगों के लिए ट्रिक है जिनकी आस्तीन छोटी या बड़ी हो जाती है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरीके से, और अपनी अपनी आस्तीन चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों, जो हम ये गैप कटिंग करते हैं, जो हमारा ये गैप है, ये आधा इंच से पौन इंच तक का गैप होता है, तो ये हमारी सामने में चढ़ने वाला होता है, और जो बढ़ती वाला हिस्सा है वो बैग में चढ़ेगा। अब देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर फिर भी आप चेक कर लेंगे एक बार कि ये हमारा आस्तीन का आर्मोल सही हुआ है या नहीं। तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से, नाप के देख लेंगे बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको हम चढ़ा देंगे अपने कुर्ती में। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है सामने की तरफ, और अपनी कुर्ती के मार्जिन को फोल्ड करना है बैक की तरफ इस तरीके से। अब हम इस तरीके से अपने आर्मोल को चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो आस्तीन है बिल्कुल सही, मतलब ना कोई हिस्सा छोटा है ना कोई बड़ा है, बिल्कुल सही बैठ गई यहाँ पर। आपको यहाँ पर भी मुड्डे पे भी डबल सिलाई लगाना है। अब हम आपको दिखा दें कि हमारा ये किस तरीके से यहाँ पर चढ़ा है मुड्डा। तो यहाँ पर आस्तीन हमारी चढ़ के हो चुकी है कंप्लीट। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से है, कोई यहाँ झोल वगैरह नहीं है, और पीछे की साइड में भी देखिए
अच्छी खासी फिनिशिंग है इसमें, कोई झोल वगैरह नहीं है। तो आपकी सबसे अच्छी यही ट्रिक है, आप कभी भी अपने आस्तीन का मुड्ढा चढ़ाएं और कभी छोटा बढ़ती छोटा या बड़ा बैठता है साइज़, तो आप इस तरीके से यहाँ पर नाप लें और नापने के बाद में इस पर चढ़ा लें। तो दोस्तों आज आपको हमारी ये आस्तीन चढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको कोई परेशानी किसी तरीके की होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।